हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए। दोस्तों, हाल ही में मैंने अपने इस चैनल पे आप सभी को इंसीडियस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की कहानी को विस्तार से बताया था और आप सभी ने उन वीडियोस को बहुत सारा प्यार दिया। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आप सभी को इंसीडियस चैप्टर 3 की कहानी को विस्तार से बताऊंगा। चैप्टर 3 पहली दो मूवीज की प्रीक्वल है, मतलब इंसीडियस चैप्टर 3 की कहानी चैप्टर 1 और चैप्टर 2 से पहले की है, जो इसे बहुत ही इंटरेस्टिंग बनाती है। तो अगर आपने मेरे इंसीडियस चैप्टर 1 और चैप्टर 2 वाली वीडियोस को अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ऊपर दिख रहे आई बटन पर क्लिक करके मेरे उन दो वीडियोस को देख ले, जिससे आपको इस वीडियो की कहानी को समझने में आसानी हो। अब इससे पहले मैं इस वीडियो को स्टार्ट कर सकूं, मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारे चैनल की एंड्रॉयड ऐप अब प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, जिसे आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप में आप मेरी आने वाली वीडियोस को यूट्यूब से घंटों पहले देख सकते हैं, साथ ही मेरी अगली कुछ वीडियोस की प्रोग्रेस और नेक्स्ट लाइव सेशन की टाइमिंग्स देख सकते हैं। इन सब के अलावा आप वहां चल रहे गिव अवे में पार्टिसिपेट करके एक शानदार ब्रांड न्यू JBL ईयरफोन्स भी जीत सकते हैं। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कीजिए। इंसीडियस चैप्टर 3 की कहानी लैम्बर्ट्स फैमिली के भूतिया घटनाओं से पहले की कहानी है। इस कहानी में हमें एक लड़की देखने को मिलती है जिसका नाम क्वीन ब्रेनर था। क्वीन की माँ का नाम लिलिथ था, जिनकी हाल फिलहाल में ही मौत हुई थी और क्वीन इस बात से बहुत ही अपसेट थी। क्वीन को कभी कभी ऐसा लगता था मानो उसकी माँ दूसरे वर्ल्ड से उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती है और वो अपनी माँ के स्पिरिट से कनेक्शन बनाने के लिए बिल्कुल बेचैन थी। इसीलिए क्वीन एलिजे रेनर से मिलती है और उनकी सुपरनेचुरल स्पिरिचुअल शक्ति की मदद से लिलिथ से संपर्क बनाने की कोशिश करती है। इस सेशन के दौरान एलिजे को एक शैतानी आवाज सुनाई देती है जो कि उसे जान से मार डालने की धमकी देता है, जिसके कारण इस स्पिरिचुअल सेशन को वही खत्म करना पड़ता है। एलिजे इस हादसे से काफी घबरा जाती है और वो क्वीन को अपने माँ से दोबारा किसी भी माध्यम से संपर्क बनाने के लिए मना करती है। वो कहती है कि जब आप मरे हुए लोगों की दुनिया से संपर्क बनाने की कोशिश करते हैं तो आप बुलाते तो किसी एक मृत इंसान को हैं, लेकिन आपकी पुकार को वहां हर कोई सुनता है। इस घटना के कुछ ही समय बाद क्वीन को रात में कुछ अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देने लगती है और कुछ रहस्यमयी घटनाएं भी होने लगती हैं। जैसे क्वीन जब थिएटर अकेडमी के लिए एक ऑडिशन अटेंड करती है तो उसे वहां एक किसी रहस्यमयी जीव की परछाई दिखती है जो उसकी तरफ इशारे कर रहा था। इस डिस्ट्रैक्शन के कारण क्वीन का ऑडिशन बहुत ही खराब होता है और वो अपनी कुछ चंद लाइनें भी ठीक से नहीं बोल पाती है, लेकिन वो अपने इस खराब ऑडिशन का सारा दोष अपने पिता पे डालती है, जो कि हमेशा उसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होने और अपने छोटे भाई एलेक्स का ख्याल रखने को कहते थे, जिससे क्वीन को ऑडिशन के डायलॉग्स याद करने के लिए बहुत कम समय मिल पाए। वो अपनी फ्रेंड मैगी को बताती है कि उसके पिता बहुत ही स्ट्रिक्ट और कम बोलने वाले इंसान हैं, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस घटना के कुछ ही समय बाद क्वीन को एक बार फिर से वो रहस्यमय फिगर दिखता है और इस बार वो इसको नज़दीक से देखने की कोशिश करती है और इसी चक्कर में उसकी एक कार से एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और उसे व्हीलचेयर का सहारा लेना पड़ता है। इस हादसे के बाद क्वीन हमेशा अपने घर के अंदर ही रहती है और उसके पिता उसे एक बेल देते हैं, जिसे वो बजाकर उन्हें अपने पास किसी मदद के लिए बुला सकती है। लेकिन यहाँ हैरान करने वाली बात यह थी कि बेल कभी कभी अपने आप ही बजती थी, जिसकी आवाज़ से क्वीन की नींद भी खुली। क्वीन ने इसको इग्नोर किया, लेकिन अगली ही रात क्वीन को अपने कमरे की दीवार पर किसी के नॉक करने की आवाज़ आई। पहले तो क्वीन को लगा कि शायद उसके पड़ोसी ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन जब उसने अपनी साइड पर एक पैटर्न में नॉक किया तो जवाब में उसे दूसरी साइड से सेम पैटर्न में नॉक आई। इसके बाद क्वीन अपने पड़ोसी को टेक्स्ट करके पूछती है कि क्या वो दूसरी तरफ से दीवार नॉक कर रहा था, लेकिन रिप्लाई में उसे पता चलता है कि उसका पड़ोसी उस दिन तो अपने घर पे ही नहीं था। इससे क्वीन बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन फिर उसे लगता है कि शायद उसके पड़ोसी के घर में कोई चोर घुस गया होगा और वही ऐसी हरकत कर रहा होगा। उस दिन के बाद मानो घर में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई और हर बार क्वीन को उसके पिता सीन इन घटनाओं में बचाते थे। एक बार तो डीमन क्वीन को अपार्टमेंट के सबसे ऊपरी माले पे लाता है और वहाँ क्वीन को अपनी ही एक परछाई दिखती है, जिसमें उसका चेहरा ही नहीं होता है। इसके बाद डीमन क्वीन को पकड़कर ज़मीन पे नीचे गिराता है, जिससे उसके गर्दन पे बहुत ज़्यादा चोट आती है।
उसी वक्त पे सीन आकर क्विन को बचाता है और उसकी मदद करता है। अब बातें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और सीन एलिजे की मदद लेता है। एलिजे आत्माओं की दुनिया से कनेक्ट करती है जहां उस पे द ब्लैक ब्राइड के द्वारा हमला किया जाता है, जो कि एलिजे को तकरीबन मारने ही वाली होती है। लेकिन उससे पहले एलिजे हमारी दुनिया में वापस आ जाती है। वो इस घटना से इतना ज्यादा डर जाती है कि आगे इस प्रक्रिया को जारी रखने से मना कर देती है और वहां से चली जाती है। हार मानकर सीन दो ब्लॉगर्स से मदद लेता है जिनका नाम स्पेक्स और टकर था, और वो भी इस डीमन को एक्सपीरियंस करने के बाद हार मान जाते हैं। दूसरी तरफ एलिजे एक चाइनीज रेस्टोरेंट में कार्ल से मिलती है, जो उसे समझाता है कि वो बहुत ही ताकतवर है क्योंकि वो एक जिंदा इंसान है और वो क्विन की मदद जरूर कर सकती है। कार्ल की बातों को मानकर एलिजे वापस से क्विन की मदद करने के लिए आती है और उसके साथ देने के लिए स्पेक्स और टकर भी वहां होते हैं। इस बार एलिजे काफी स्ट्रांग थी और वो एक बार फिर से आत्माओं की दुनिया से कनेक्शन बनाती है। द फर्दर में जाकर वापस आने के बाद एलिजे बताती है कि ये आत्मा दूसरी आत्माओं से काफी अलग है। ज्यादातर डीमंस किसी इंसानी शरीर पर कब्जा करना चाहते हैं ताकि वो फिर से जी सके, लेकिन ये डीमन किसी के शरीर पर कब्जा नहीं करना चाहता, बल्कि ये लोगों की आत्माओं को कैद करके फर्दर में ले जाता है और उन्हें वहां टॉर्चर करता है। फर्दर में एलिजे एक लड़की की आत्मा को आजाद भी करती है जिसे इस डीमन ने कई साल पहले कैद किया था। लेकिन तभी एलिजे को वहां जैक दिखता है, जो कि उसका पति था, और जैक ने एक साल पहले आत्महत्या कर ली थी। जैक बार बार एलिजे को बोलता है कि उसे भी खुद को मार लेना चाहिए ताकि वो दोनों द फर्दर में साथ रह सकें, लेकिन एलिजे समझ जाती है कि यह जैक नहीं बल्कि वही डीमन है जो जैक का रूप लेके एलिजे से आत्महत्या करवाने की कोशिश में है। इस बात का पता लगते ही एलिजे इस डीमन को आसानी से हरा पाती है। एलिजे से हारने के बाद भी ये डीमन रुकता नहीं है और क्विन की फेसलेस परछाई को अपना लेता है। असल में ये फेसलेस परछाई क्विन की आत्मा का आधा हिस्सा था जिसपे अब इस डीमन का कब्जा था। एलिजे तुरंत ही रियल वर्ल्ड में वापस आती है और सबको बताती है कि क्विन की आधी आत्मा उस डीमन के कब्जे में है और ये लड़ाई अब यहाँ से क्विन को खुद ही लड़नी पड़ेगी। क्विन की डिमोनिक आत्मा उसके ऊपर हावी हो रही थी और क्विन इस लड़ाई को हार रही थी, लेकिन तभी एलिजे एक लेटर को लाती है जिसे क्विन की माँ लिलिथ ने उसके लिए लिखा था, जिसे क्विन अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले पढ़ती। इस लेटर के इमोशंस और लिलिथ के आत्माओं की शक्तियों की मदद से क्विन फाइनली इस डीमन को हरा पाती है। इसके बाद इनकी फैमिली रियूनियन होती है और सब कुछ ठीक हो जाता है। स्पेक्स और टकर एक टीम की तरह एलिजे से जुड़ जाते हैं जिससे वो आगे दूसरी डिमोनिक एक्टिविटीज का मिलकर सामना कर सके। एलिजे अपने घर वापस लौटती है और उसे वहां बिस्तर पर एक स्वेटर पड़ा दिखता है जो कि उसके पति जैक का था, और शायद जैक की ही आत्मा ने उस स्वेटर को वहां रखा था। एलिजे उस स्वेटर को अपने बहुत करीब रखती है और काफी इमोशनल भी हो जाती है, लेकिन तभी एलिजे का कुत्ता अंधेरे की तरफ देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और उस अंधेरे से हमें एक डिमोनिक चेहरा उभरता हुआ दिखता है जो कि एक लिपस्टिक पहना होता है। इस लिपस्टिक फेस डीमन का चेहरा हमें एलिजे के पास देखने को मिलता है और मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। अब आखिर ये डीमन कौन है, ये तो शायद हमें इंसीडियस के चैप्टर 4 में ही पता चलेगा जो कि 4 जनवरी 2018 को रिलीज होगी। लेकिन मैं जल्दी एक वीडियो लाऊंगा जहां हम मिलकर इंसीडियस के 4th चैप्टर के होने वाली कहानी को गेस करेंगे, तो अगर आप उस वीडियो को मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दें। मेरा आज का सवाल आप सबसे है कि क्या आप इंसीडियस मूवी के चैप्टर 4 को लेके एक्साइटेड हैं? आप अपने जवाब हमें कमेंट्स में बताएं, और अगर आपके पास कोई सवाल हो तो वो भी हमें कमेंट्स में ही पूछ लें। अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर हमारे एंड्रॉयड ऐप को प्ले स्टोर से फ्री में डाउनलोड कर लें और उस ऐप के सजेशन बॉक्स के जरिए अपने सुझाव हम तक डायरेक्टली पहुंचाएं। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल हॉन्टिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं।